दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सभी करते हैं, अमेज़ॉन का यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं और बड़े मज़े से ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये तो टुमारो ही आ जाएगा, ये वन डे डिलीवरी है, ये तो सेम डे डिलीवरी है। लेकिन इन डिलीवरी का हाल कुछ इस तरीके से होता है, उछल रही होती हैं इधर से उधर। ये वीडियो देखकर समझ जाओगे आपकी किस तरीके से आपका पार्सल इधर से उधर फेंका जा रहा है। ये इंसिडेंट है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का, जहां पर दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस रुकी थी और उसमें से ये सारा का सारा सामान निकाला जा रहा था। ये आई थिंक रेलवे वालों ने सामान निकाला है या फिर वहाँ पर जो कूली वगैरह होते हैं वो सामान निकाल रहे थे। मतलब निकाला कुछ इस तरीके से है कि आप देख सकते हो कि सामान हवाओं में फेंक रहे हैं, उड़ा रहे हैं, पंखों पे लग रहा है और इसमें किसी का LED TV भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा भारी भी नहीं होता, हल्का ही होता है, वो भी ऐसे ही उड़ जाएगा। आईफोन भी हो सकता है किसी का या फिर एंड्रॉयड फ़ोन भी हो सकता है। लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है जिनसे वो सामान मंगाते हैं इन वेबसाइट्स पर ट्रस्ट करके, और उसके बाद में जो सामान पहुँचाने का काम जिनके पास में होता है अगर वही इस तरीके से फेंकते रहेंगे, आई थिंक ये पूरी रेलवे की गलती है जहां पर ये जो लोग कर रहे हैं। ना अमेज़ॉन की गलती है, ना सेलर की गलती है, क्योंकि सेलर भी नहीं चाहेगा कि उसके पैकेज का हाल ऐसा किया जा रहा हो। वो तो मेहनत से भेज रहा है पैक वैक करके, और वो भी नहीं चाहेगा कि भाई टूट फूट हो जाए और वो वापस रिटर्न आ जाए, क्योंकि उसका नुकसान है, उसको दोबारा से आपको वो चीज़ भेजनी पड़ेगी अगर उसको टूटी हुई रिसीव हो जाती है। और कई बार तो दिक्कत बायर को भी हो जाती है, क्योंकि वो टूटा हुआ पैकेज आ जाता है उसके पास में, तो वो उसको क्लेम करता रह जाता है अगर फ़ोन वगैरह आता है तो। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं इसके अंदर। तो आप सोचते हो ना भाई कृपा कहाँ रुक रही है इन पार्सलों में, इतनी क्या कुचूरा सा बन के आ जाता है। कई बार आप डब्बा मंगाते हो कि डब्बा अंदर से खुला हुआ मिलता है, तो कृपा यहीं रुकती है रेलवे स्टेशन पे इस तरीके से पैकेज जहाँ पे फेंके जा रहे हो, तो क्या ही होगा। मतलब पंखों में उड़ा रहे हैं, कहाँ पे उड़ा रहे हैं, टीवी ले, आईफोन ले, किसी का प्रोटीन का डब्बा ले, क्या ले। मतलब कई डब्बे तो खुल गए होंगे जिसमें से सामान निकालने के बाद में कुछ भी भर के उसके बाद में पैक करके वहाँ टेप लगा ही चल हो गया, अपना काम तो हो गया। अब लड़ो भाई, अमेज़ॉन से लड़ते रहो, सेलर से लड़ते रहो और कुछ ही करते रहो। इसके तो मज़े आ गए ना जो बीच में से लूट गया। दोस्तों LG का रोलेबल डिस्प्ले तो आपने देख लिया होगा, जो कि शाहरुख खान ने अपने घर पे भी लगवा लिया है, क्योंकि वो उस इवेंट के अंदर भी मौजूद थे, तो उनके पास में क्यों नहीं होगा। और अब आपको देखने को मिलेगा कर्व मॉनिटर। आप कहोगे क्या नई बात बता रहा है भाई, वो बेंडेबल कर्व मॉनिटर होगा। कॉर्सियर काम कर रहा है हालांकि प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ही है, जहाँ पर ये गेमिंग मॉनिटर होगा, OLED पैनल होगा और इसको पकड़ के कर्व किया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उतना अच्छे से कर्व नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये अपना फाइनल वेरिएंट निकालेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ऐसा इनका कहना है। इतना ज़्यादा मतलब हार्डनेस नहीं होगी कि मतलब पहले डंबल वंबल जिम विम करके और उसके बाद में मोड़ो इसे। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग नेटफ्लिक्स का यूज़ करते हैं उनके लिए ऐड वाला प्लान भी बहुत ही जल्द आएगा, जो कि सस्ता होगा। कितना सस्ता होगा वो नेटफ्लिक्स ने थोड़ा सा खुलासा कर दिया है कि जितना वो नॉर्मली चार्ज करते हैं उससे आधा चार्ज करेंगे, जहाँ पर आपको जो पॉपुलर सीरीज़ होगी, पॉपुलर मूवीज़ होगी, उसके बीच में एड्स देखने को मिलेगी। लेकिन जो भी नई मूवी होगी, जो भी मतलब जिसकी हाइप क्रिएट हो गई होगी ना, उसके ऊपर तो ऐड दिखाएंगे, लेकिन जिसकी हाइप वगैरह नहीं है, नई सीरीज़ आ गई है, नई मूवी आ गई है, तो उस पर ऐड नहीं दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ जो बच्चों के कंटेंट होंगे उन पर भी नहीं दिखाने वाले, और प्राइस आधा रहने वाला है। तो क्या ये वैल्यूएबल ऑफर है या नहीं। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि 5G आने वाला है, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ महीनों ही दूर है, वो धीरे धीरे करके आता रहेगा अलग अलग जगहों पे। लेकिन रिलायंस का कहना है कि हमारा जो 5G है वो पूरे इंडिया में सबसे पहले फैल जाएगा, 2023 तक ये सारे इंडिया में अपना 5G नेटवर्क फैला देंगे, ऐसा इनका कहना है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर हर एक बंदा पास होना चाहता है, लेकिन वहाँ पर इंटेलिजेंट बंदा ही पास होता है। लेकिन चीटर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से चीटिंग करके पास होना चाहते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS के जैसा कोई प्लास्टर बांध के ले आया, उसके अंदर मोबाइल और कान में ईयरफोन, और एक बंदे ने तो खुद से ही इतना छोटा ईयरफोन बना डाला था कि वो कान में घुसाने पर दिखता भी नहीं, ऐसा बना रखा था। लेकिन यहीं पर एक नया जुगाड़ सामने आया है, जहाँ पर वो बंदा पकड़ा भी गया है। दरअसल बिहार के अंदर रेलवेज़ की भर्ती के लिए एग्ज़ाम चल रहे थे, जहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होनी थी, तो मतलब अंगूठे के निशान भी लिए जाने थे। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि
दूसरे बंदे को बिठवा देता है कोई कि भाई तू मेरे नाम पे जाके पेपर दिया ताकि मैं पास हो जाऊँ, मेरी जॉब लग जाए, तेरी तो लगी हुई है, तू तो अच्छा खासा इंटेलिजेंट है, तो इस तरीके से करते हैं। तो वही सिनारियो यहाँ पे भी था। इसने अपने दोस्त जो कि बंदा था मनीष कुमार, जिसको जाना था एग्ज़ाम देने, लेकिन उसने अपने दोस्त जो कि गुप्ता करके है उसको भेज दिया एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन आप कहोगे कि भाई वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह हुई होगी। जी हाँ, वहाँ पर आधार कार्ड की बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन हुई, जहाँ पर अंगूठा लग के एंट्री मिलती। तो आप कहोगे भाई क्या किया इसने, भाई उसने अपना अंगूठा का जो स्किन थी वही काट के उसके अंगूठे पे चिपकवा दी, जिसके बाद में वो गया वहाँ पे और उसके बाद में उसको एंट्री मिल गई। लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त में उसने क्या किया था कि अपने लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड से उसने अंगूठा लगाया था और एंट्री उसको मिल गई थी, क्योंकि राइट हैंड से तो वो लिखता, तो लेफ्ट हैंड को उसने अपनी जेब में दे रखा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर था उसको लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, ये अपना हाथ निकाल क्यों नहीं रहा है। तो उसका हाथ निकलवाया, चेक हुआ तो पता लगा इसने फेविक्विक या जो भी चीज़ें लगा के उसको चिपका रखा था, जिसके बाद में पुलिस पकड़ के ले गई। अब दोनों ही का करियर बर्बाद हो चुका है इस चीटिंग और फ्रॉड के चक्कर में।